अभी अभी अमेरिका से न्यूयॉर्क से मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि आज यूएन ने संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा दिया है। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर आखिरकार विश्व में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। एक समय था जब देश में ऐसी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री तक की आवाज सरकार में भी कोई नहीं सुनता था, और आज देश ने देखा है कि यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ, कैसे 130 करोड़ जनता की आवाज पूरे विश्व में दहाड़ रही है। ये है नया भारत, और ये है इस नए भारत की ललकार। आज भारत की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, भारत की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये बात आज साबित हो गई है, और मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता क्या है। साथियों, बीते दिनों में आपने देखा है किस प्रकार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का निरंतर सफाया किया जा रहा है। एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों का तबाह किया है। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है, और उसके बाद आज की हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय भी आज देश देख रहा है। इन सब को जोड़कर देखे तो विश्व में जो आज भारत की ताकत बनी है वो 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का परिणाम है।
मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि जब यह काम चल रहा था तब नामदार ट्वीट करके बड़ी खुशी मनाते थे, एक पूरा वर्ग बहुत खुश था और मोदी की मजाक उड़ाते थे। आज इतने दिनों से मजाक उड़ाने वालों को मैं कहना चाहता हूं, ये सिर्फ मोदी की सफलता नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की सफलता है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सफलता है। मैं आशा रखता हूं कि वह आज भी खुशी मनाएंगे। आज भारत के लिए, हर भारतीय के लिए, चाहे वह किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सबके लिए आज बेहद गर्व का दिन है। आज देश के लिए आत्मविश्वास का जो माहौल बना है, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी राजनीतिक दल इस माहौल में, ऐसे उत्साह के माहौल में, ऐसे आत्मविश्वास के माहौल में कृपा करके मिलावट न करें। भाइयों और बहनों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा रहा, इसके लिए मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से, हर मानवतावादी की तरफ से विश्व समुदाय का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पूरे विश्व को भी भारत की इस जो 40 साल से हम मुसीबत झेल रहे हैं, जो हम बार बार कह रहे थे, उस सच्चाई का अब उन्हें एहसास हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी एक छोटा समूह जो सच्चे अर्थ में पाकिस्तान का उज्जवल भविष्य चाहता है, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खुलकर आतंकवाद के खिलाफ बोलने लगा है। पाकिस्तान का एक वर्ग अपने देश में खुलेआम घूमते आतंकियों के खिलाफ, आतंकियों को ट्रेनिंग के खिलाफ, अपने युवाओं की बर्बादी के खिलाफ आवाज उठाने लगा है। पाक की आतंकी दृष्टि के खिलाफ अब उसके जागरूक नागरिक ही आवाज उठाने लगे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद ये आवाज और मुखर हुई है। आज संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के बाद पाक के जागरूक नागरिक वहां की सरकार पर और दबाव बनाएंगे।